गुरु जी, मैंने एक व्यक्ति को उसके मुश्किल समय में कुछ पैसा उधार दिया था, लेकिन अब वह व्यक्ति, उसका सारा काम ठीक हो गया, उसके जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। अब उसके पास पैसा भी आ चुका है, लेकिन मैंने जो पैसा उसको उधार दिया था, मेरा पैसा वो व्यक्ति नहीं लौटा रहा है। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी से पैसा तो उधार ले लेते हैं, लेकिन जब पैसा लौटाने की बात आती है तो आनाकानी करने लग जाते हैं। यह कितनी बुरी बात है। याद करिए वो दिन जब आपने किस तरह से हाथ जोड़कर सामने वाले से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इस समय पैसे की बहुत आवश्यकता है, और उस व्यक्ति ने आपके अंदर कोई क्वालिटी देखी, आपकी कोई अच्छाई देखी और आपकी भावनाओं को समझा, तभी उस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया। लेकिन अब आप उसका पैसा वापस नहीं कर रहे, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं सभी उन लोगों से, अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो उचित समय पर, या जो तय समय हमने व्यक्ति को दिया है, उस समय तक उस व्यक्ति का पैसा लौटा देना चाहिए। ऐसा करने से एक तो जो समाज में हमारी इज्जत है वो बनी रहती है, और अगर भविष्य में दोबारा हमें कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो कोई भी आंख बंद करके हमें पैसा दे देता है। लेकिन अगर एक बार हमने किसी से पैसा लिया और दोबारा मुड़कर हमने उसका पैसा नहीं लौटाया, तो वह 10 व्यक्तियों को और बताएगा कि इस व्यक्ति को भूल कर भी पैसा मत देना, क्योंकि जिससे भी यह पैसा लेता है उसका पैसा कभी नहीं लौटाता। क्या आपको अपनी ऐसी इज्जत संसार में बनानी है? नहीं ना। तो जिससे पैसा दिया है उसका पैसा हमें जरूर लौटाना चाहिए। अपनी इच्छाओं पर, अपनी जरूरतों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। पहले जिसका लिया है उसका देना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो आपका पैसा दबा कर बैठा है, जो आपका उधारी लौटा नहीं रहा है, ऐसा जिसने आपका पैसा खा लिया हो, आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने के बाद बड़े से बड़ा, जो अपने आप को बहुत बड़ा खब्बी खान भी कहता होगा, वो भी हाथ जोड़कर आपका पैसा लौटाएगा। इस उपाय को आप करेंगे, वो चाहे जितने भी बहाने बना ले, जितनी भी तरकीबें लगा ले, लेकिन उससे आपका पैसा देना ही पड़ेगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। आज मैं आपको उधारी वापस पाने का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने के बाद पहले भी हमारे बहुत भक्तों के जो पैसे हैं वो वापस आए हैं, और विश्वास रखिए आपका जो पैसा है वो भी आपको जरूर वापस मिलेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता बगलामुखी को प्रणाम करेंगे। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदं संभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय हरिं। ओम स्वाहा। बोलिए बगलामुखी माता की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी भक्तों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड के साथ। आज के टाइम की एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा अगर किसी को हमने दिया है, लोग उस पैसे को समय पर नहीं लौटाते। कुछ ही व्यक्ति, मैं सबको ये नहीं कहता कि सभी एक जैसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे से पैसा लेने के बाद उसे अपनी अमानत समझने लगते हैं, ये भूल जाते हैं
कि भाई हमने ये पैसा किसी से उधार लिया है, उस व्यक्ति को भी उसकी जरूरत होगी, हमें उसका पैसा लौटाना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपने सामने वाले से 20,000 लिया है या आपने 1 लाख लिया है। भाई जितना भी लिया है उसका वापिस करने का आपका हक बनता है। अगर आप उसे वापिस करोगे समाज में आपका एक तो जो सोशल नेटवर्क है वो भी अच्छा रहेगा, आपकी समाज में इज्जत भी रहेगी, आपके लोगों के मन में आपके प्रति इज्जत भी बढ़ेगी। तो चलिए अब इन बातों को फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का मेन मुद्दा है कि अगर ऐसे जो व्यक्ति जो ढीठ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो आपका पैसा नहीं लौटाते, उनके लिए फिर हमें क्या उपाय करना चाहिए। मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर तो आपके पास उस व्यक्ति की फोटो है तो उस फोटो को आपने जो है शनिवार के दिन उस फोटो के ऊपर आपने 1 किलो का वजन रखना है। कैसे रखना है वो सुनिए। उस व्यक्ति की फोटो के पीछे आपने लिखना है कि इस व्यक्ति ने मेरा इतना पैसा दबाया हुआ है, मुझे यह पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिले। ऐसा बोलने के बाद उस फोटो को किसी अंधेरे कमरे में रख दें, उसके ऊपर 1 किलो वेट रख दें, ठीक है। अगले शनिवार को उसका जो वेट है उसे 2 किलो कर दें, अगले शनिवार उस वेट को 4 किलो कर दें, 5, 6, ऐसे हर शनिवार को उस व्यक्ति की फोटो पर थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते रहें। और यकीन मानिए 2 या 3 शनिवार के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति का खुद आपको कॉल आएगा कि भाई साहब मैं आपके पैसे देने आ रहा हूं, या मैं आपके पैसे इस तारीख को लौटाऊंगा। और विश्वास रखिए जो तारीख अगर उसने एक बार दे दी इस उपाय को करने के बाद, उस तारीख पर आपके जो पैसे हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले भी बहुत सारे भक्तों को डायरेक्ट इस उपाय के फायदे मिल चुके हैं और आपका जितना भी पैसा है वो आपको तुरंत प्रभाव से प्राप्त होगा। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वह भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की। ओम नमः शिवाय।